लेकिन यहाँ पर जो उसकी ये है कि ये यहाँ पर जीरो के साथ स्टेट होता है।
So you want me to give here to a place behind you? Here, okay. Similarly, हम क्या करते हैं कि इस प्रोफाइल फिर अगेन अच्छा ये बेस्ट ये है कि देखो कुछ बुक में ये लिखा है ना कि आप उसको टंग को आप न्यूट्रल पर रखते हैं सॉरी आम को आप न्यूट्रल पर रखते हैं पाम शुड फेस इन योर बॉडी ये है ठीक है फिर आप ये करते हैं ना ठीक है ये करते हैं तो फिर अगेन आप ये करते हो लेकिन एक्चुअली जो इनर्टिकल मूवमेंट है ना हम इस डायरेक्शन पर करते हैं इनर्टिकल प्लेन में मूवमेंट करते हैं ठीक है फिर बेस्ट आप ये करते हो और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस सूरत में आपका नाम एक्सटेंशन में आता है ना ये बेसिकली अलाउ करता है फुल रेंज ऑफ मूवमेंट को अलाउ करते हैं ठीक है तो आप ये करते हो ठीक है क्लियर है सही है ठीक है क्लियर है तो ये है कि रिएक्टिव जो मूवमेंट है वो 150 होना चाहिए शायद इसकी जो है अंदर जो है इसने इन्वेस्ट देना है या शर्ट की वजह से ठीक है क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो है ना मूवमेंट ये है लोअर फेस जो होगा और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसके बजाय किया था तो ये बैंक में होगा तो ये शायद और आज ऊपर आ जाएगा ये है इस में राइट है अब सिमिलरली आप अगेन एक्सटेंशन को चेक करते हो आप एक्सटेंशन को चेक करते हो तो एक्सटेंशन किस प्लेन की मूवमेंट है ये भी सिचुएशन है तो अगेन फलक्रम को आपने किस प्लेन में रखना है सिचुएशन प्लेन में ज्वाइंट लाइन में रखना है ज्वाइंट लाइन इस सूरत में एट बिलो द लेवल ऑफ एब्डोमेन आता है बिलो द लेवल ऑफ एब्डोमेन आता है फिक्स आर्म कहाँ पर होगा उस एरिया पर होगा ठीक है और ये अगर आप ये करते हैं फिर मैं इसको कहता हूँ कि आपने क्या करना है आपने एक्सटेंशन करना है एक्सटेंशन करेगा आपने क्या एक मिनट ये हो गया ये है और फिर जो है आप इसी तरीके से चेक करते हो ठीक है तो ये ऑलमोस्ट आ गया कोई 61 ठीक है ये देख रहे हो ये 61 ठीक है ये इसका 61 आ गया ठीक है सही है ये 61 है इस तरीके से आप चेक करते हो लेकिन जो हो गया एक्सटेंशन ठीक है सिमिलरली हम इसका चेक करते हैं एडक्शन ठीक है तो अब बेसिकली एडक्शन क्योंकि फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट है हमने फ्रंटल प्लेन ही में परफॉर्म कर ठीक है तो इसके दो कंडीशंस हैं एक ये है कि फ्रंटल प्लेन में आपने फलक्रम रखना है ठीक है ठीक है तो ये जो आपका शोल्डर का जॉइंट लाइन है यहाँ पर आपने रखना है लेकिन अब जो है आपने इसको अलाइन करना है एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पैरेलल यहाँ पर रखना है ठीक है जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है इसके पैरेलल होगा और एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शोल्डर होगा ठीक है ये जो फलक्रम है ये फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट है ना लेकिन एक्सटेंशन खत्म हो गया ना ठीक है तो हमने इसको भी कंपेरेटिवली कहाँ पर रखते हैं फ्रंटल प्लेन में रखते हैं तो ये हमने रख दी है ठीक है फ्रंटल प्लेन में और फिर जो है इसका अगेन जो फिक्स आर्म है यहाँ पर आ जाएगा ट्रंक के साथ पैरेलल होगा ठीक है सर फलक्रम को दोबारा बताइए फलक्रम जो है हमने पोस्टीरियर शोल्डर पर रखना है इसको कड़ा कर दें यहाँ पर हमने रखना है ठीक है इसको डीरे भी रख सकते हैं और पोस्टीरियर भी रख सकते हैं मैं फिलहाल मैं पोस्टीरियर पर रखता हूँ ये हमने रख दिया फिक्स आर्म को मैंने अगेन ट्रंक के साथ पैरेलल रख दिया ये ट्रंक के साथ ठीक है फिर जो है मैं क्या करता हूँ कि इसको कहता हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने एक्सटर्नल रोटेशन पे आपने क्या करना है एब्डक्शन
एबडक्शन करना है, एडक्शन करें ठीक है। इसके भी आपने लेटरल पार्ट ऑफ द जो विंग्रस है इसको आपने रेफरेंस पॉइंट देना है ठीक है। तो ये हो गया आपका देखिए 130 डिग्री ठीक है, क्या है 130 डिग्री ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, जूम चला गया तो इसका ये 130 डिग्री है, इसका एबडक्शन क्लियर हो गया, क्लियर है ना ठीक है। और ये भी हमने रोटेशन पर जो है करना होगा, मैंने आपको कहा था कि ये हम क्यों रोटेशन में रोटेशन करते ताकि रेंज ज़्यादा मेटर का रोटेशन पर फिर जो है ट्रेन लाइन कम हो जाती है, क्योंकि वो आपका जो ग्रेविटी जो वर्कल है वो इम्पिंज कर सकता है, क्लियर हो गया। इसको जो है आप यहाँ पर भी कर सकते हो, फ्रंट हो गया यहाँ पर आप रखो ठीक है, फ्रंट लाइन ठीक है, और ये है आप रखो ठीक है, ये हो ठीक है, आप करें ना आप करें 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 ये करें 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 ये हो गया। तो ये बेसिकली ये रेंज है, आपने जिस तरीके से इनिशियल असेसमेंट की होगी उसी तरीके से आपने फिर बाद में भी असेसमेंट करनी है ताकि फिर वेरिएशन कितना आ जाए, क्लियर है क्लियर है यस। तो शोल्डर जॉइंट में कौन सी लेकिन हो गया एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन अब जो है एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल सही शो का नाम हो एडक्शन जो है आप जो है आप किसी तरीके से एडक्शन एबडक्शन हो गया तो बस एडक्शन भी सही है ना बस हां एडक्शन एडक्शन फिर अगेन आप वहां पर आ जाओ ना, यहां से आप कॉमन सेंस की चीज नहीं है और आप नीचे आ जाओ ना ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट किया है ठीक है, और आप फिर नीचे आते हो नीचे आते हो कितने डायरेक्शन है तो फिर आपको आता है ठीक है। अमूमन चूंकि एडक्शन रेंज कम नहीं होती, अमूमन चूंकि एडक्शन रेंज कम नहीं होती इसलिए पान नहीं ठीक है, हाँ ना छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इधर करते हो तो उस तरीके से आप कर सकते हैं ठीक है। ये हो गया ठीक है, एक्सटर्नल लीफ एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन ठीक है। इसके लिए ये है कि आपने शोल्डर को एडक्शन कर रखा है 90 डिग्री और इसको आपने इसी तरीके से रखा है, तो बैक कर भी कर सकते हो ना ठीक है। फिर जो है हमारा जो आपको थोड़ा सा कंपेरेटिव में छोटा पूरी मीटर चलेगा, आपने फिर जो है इसको जो एक्सिस है आपने ये जो प्रोसेस है ना मेरे कहना प्रोसेस उसके साथ आपने फल करने की उसी तरीके से फिक्स रखना है, ये फिर क्या है और ये जो सेवन आर्म है ये डाउनवर्ड होगा टू द ग्राउंड, ये सिचुएशन पर आप करेंगे डाउनवर्ड होगा क्लियर है सही है। और फिर अगेन हम क्या करते हैं कि ये जो मूवेबल आर्म है इसको हम फोर आर्म के साथ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रखते हैं ठीक है सही है, ये हमने रख लिया है हॉरिजॉन्टल ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि हम साइड्स साइड्स
सर उस साइड पे रख देना सर। नो सर, सर सर पोस्टीरियर फोरम। नो सर, नो सर, हाँ सर आप लेटरल नहीं, पोस्टीरियर फोरम पे। अब सही हो गया बस। आपने उसको ये जो क्या नाम है उसका नाम पसंद है या पता आपने रख दिया है, और ये जो आपका मुई बदलाव है ये आपने इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है अन्ना, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है अन्ना। एक हाथ से आपने इस टेबल नाम को फिक्स कर दिया है, दूसरे को आपने ये कर दिया फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि आप जस्ट डबल कोशिश करते हैं करें कर लेंगे ठीक है। अब ये जो है आपका मोमेंट है इंटरनल रोटेशन का, तो ये क्या है, ये हर मोड जो है कोई 95 डिग्री 90 डिग्री। अब आपने ये भी देखना है कि अब ये जो मोमेंट करता है ना ये कुछ ज़्यादा तो एलिवेशन नहीं करता है, इसको भी आपने इसमें इंटरेक्ट मूवमेंट नहीं करना। ये हो गया, तो ये हो गया, ये हर मूव जो है इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन की 80 to 90 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन की कंपेरेटिवली कम होती है, ठीक है। ये हो गया और फिर क्या था, 80 to 90 डिग्री ठीक है। तो फिर अगेन आपने यूज किया है, चलिए रेफरेंस पॉइंट क्या था, मैं बता अल्लाह, ठीक है। और फिर आपने उसको किसी तरीके से जो है आपने ले जाना, ठीक है। आपने अपने और स्ट्रेट हो रहा है, ये डिप्रेस भी हो रहा है, शोल्डर को डिप्रेस कर रहा है, तो ये 50 डिग्री या वो आगे नहीं है, ठीक है। ये 50 डिग्री है, चलिए ये 50 डिग्री है। और यहाँ से भी जो है 180 ये 140 डिग्री, तो ऑलमोस्ट जो है ये 50 डिग्री का क्या नेशनल रोटेशन, ठीक है। क्या सेकंड में ये एक्सटर्नल रोटेशन कंपेयर होगी ज्यादा होती है, और ये जो है ज्यादा होती है, क्लियर है। ये हो गया ना। अब और क्या है शोल्डर जॉइंट पे, और कुछ नहीं, हाँ शोल्डर जॉइंट पे हम हॉरिजॉन्टल जो है आप कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन की मूवमेंट है, एक्सिस हमने जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखना, ठीक है। तो उसको करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन का एक्सिस है वो यू आएगा, क्लियर है, सही है। तो ये बिल्कुल आपके जो ट्रंक है उसके लिए अगर आपने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेस किया है फिक्स को, ठीक है। ये देख रहे हो ना ये फिक्स, ये हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मूव का काम है, ठीक है। अब मूव मैं इसको कहता हूँ कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करें इस साइड को फॉरवर्ड कर रहा है सर, वो टर्न हो रहा है ट्रंक को भी टर्न कर, ठीक है। लेटर कंडाइल है, ये जो बोन प्रॉब्लम है उसके
के साथ जो है आप उसको फिक्स कर दें, ठीक है। तो ये किया, आप ये जब देखा तो रिटर्न किए वो मूवमेंट करता है ना, तो इसका ये फूल की इधर में आना ये हो गया रेफरेंस पॉइंट है इसका ना, रेफरेंस पॉइंट एट द मूवेबल आर्म को उसके पैरेलल लेकर आओ, ठीक है। जाहिर है आर्म तो ये है ना, बैक नहीं ले जा सकते, उस आर्म के जो है बिल्कुल पर आप लेकर आना है, क्या क्या आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। फिक्स आर्म तो हमने हवा में फिक्स रख दिया है, अब क्योंकि और बॉडी तो नहीं है ना, अब ये है ना, फिलहाल हमने ये रख दिया है, अब ये फिक्स है, अब ये फिक्स रख दिया है, इसने ये मूवमेंट किया, ये अपनी जगह फिक्स है ना, क्योंकि मूवमेंट नहीं करता ना, ये है, अब यहाँ पर आ गया ना, तो आपने अपने फिल्म जो है इस लेवल पर फिक्स कर दिया, मूवेबल आर्म को इस लेवल पर लेकर आ रहा ना, तो फिर आप ये एंगल चेक करते हो, ये एंगल चेक करना, ठीक है। तो आप पता चल जाएगा कि ये 40 है, या फिर आपको जो है चेक करके वन में भी 140 आएगी, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। तो ये शोल्डर जॉइंट पर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है।